जो रास्ता के बाद फ्रांस में निगरानी
some doubts and some of it's going to be done in the people because, like, the government was saying, okay, it's the new art first person, but the government was also being able to do this. So, politics, so the place of the doctor, always not that picked up in the job. And you're saying, I have both those people, helicopter, take a drive, and I'll put out a helicopter, put it in the hospital, to put up the minister, some of it's the great mistake. Thank you.
Asia, so that it is a good thing. The people of Syria, the people of 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 the people Canada,
forgiveness on the Bible, but then God bless you, but then you can go to that room, something out to you. कोई ब्रिटेन जो बाहर को पूरी तरह से अलग हो गया, ना तो पहले ऐसे से पर लिया गया, जो बाहर दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना के सामने आए थे। दुनिया में रविवार को 48,000 के मिले थे। कोरोना के बीच में यहाँ के नेक्स्ट स्टेज को अलग करने का आज नेक्स्ट क्लास में भी यहाँ के बीच वहाँ देश के 87% बेसबुक को वैक्सीन की सिंगल डोज और 68% को दोनों डोज लग चुके हैं। अब बच्चों में काम शुरू से मास्क पहनना भी जरूरी नहीं होगा। प्रतिबंधों में मेरी टीम को प्रधानमंत्री कहा जाता है। लाइफ क्लब 15 महीने बाद पूरी क्षमता बिना किसी प्रतिबंध के साथ पूरी रात खुली रही। ज्यादातर क्लबों और बार के बाहर रविवार रात से कतारें लगनी शुरू हो गई। कई जगह लोगों को दो दो घंटे इंतजार भी करना पड़ा। पिछले साल मार्च में लगाए गए प्रतिबंधों के बाद गुरुवार को पहली बार लोगों ने बिना किसी प्रतिबंध के 5 कर्फ्यू उठाया। कोरोना की पिछले लहर के बीच ब्रिटेन में चिंताएं वायरस से दस्तक दी है। पब्लिक हेल्थ इंक्वायरी के मुताबिक ब्रिटेन में नोरा वायरस 154 केस से है। नोरा वायरस रेड वायरस वहां पर देखने के लिए मिला है। तस्वीर ब्रिटेन के बनाए बच्चे और जॉइंस ऑफ लॉ चार्टर प्रदेश के स्कूल में स्वास्थ्य सचिव ने साल में ज्वाला के संपर्क में आने के बाद ऐसे विषय लिखे। तो आपके साथ ब्रिटेन के लोगों को एक बार फिर से इस तस्वीर में ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पांच सौ से उन्हें कभी आ गया है। क्लबों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई जो बाइडेन के प्रशासन ने उस पर तत्काल अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता शुरू करने के लिए कैदियों के प्रस्तावित अदला बदली में दिल्ली का आरोप लगाने के लिए शनिवार को ईरान पर फैसला किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप विदेश मंत्री की टिप्पणी को अपमानजनक बताया। ईरान के उप विदेश मंत्री ने आरोप लगाया था कि अमेरिका और ब्रिटेन 2015 के निराश परमाणु समझौते को बचाने के लिए कैदियों को बंधक बनाने का मत करना अपना रहे थे। अराजी ने अपने उस अकाउंट से चीन से सेवा ट्वीट में कहा है कि वियना में परमाणु वार्ता तब तक बहाल नहीं हो सकती जब तक ईरान के कच्चा पत्ती न दे राष्ट्रपति अगस्त की शुरुआत में कामकाज न समाप्त हो। उन्होंने कहा कि हम सत्ता हस्तांतरण के दौर में हैं। परमाणु वार्ता को हमारे नए प्रशासन का इंतजाम करना होगा। हम लोग तक की यही मांग होती है। उन्होंने कहा सभी पक्षों की दस्तियाँ
Thank you.